भाई मेरे पास भी 125 से एक लीटर में 15 किलोमीटर चले। अरे भाई साहब क्या बात कर रही हो भाई, मजाक करते हो, मुझे समस्या आ रही है भाई। सिंगल राइड 65-63 एंड डबल राइड में 52-53। भाई साहब 52-53 जा रही है। अरे सही में यहाँ तो लोगों को 15 मिल रही थी, कैसे कहती है भाई आप। मैं तो इसके साथ तकदीना नहीं होता, इसके साथ एक सीधे से स्मूथली निकल जाएंगे बरसात वगैरह में। बस अभी लोग कहते हैं इसको फैमिली बाइक मत कहिए, क्यों ना कहें भाई। मैं तो अपनी फैमिली लेके चल रहा हूँ ना, उसको तो दिक्कत नहीं आती। मेरे बच्चे आराम से बैठ जाते हैं, टंकी पे आगे बेटा बैठ जाता है, बेटी यहाँ बैठ जाती है और वाइफ इधर बैठ जाती है। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ले बाइक को, क्या दिक्कत है। ठीक है, ऐसे बाद में पल्सर बहुत ही खर्चीली बाइक है, 7 साल यूज करने के बाद में बेच दिया, बहुत खर्चा करे भाई 7 साल तक। सही गाइस, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। गाइस आज मैं इस वीडियो में आपको इस फाइनल एक रिव्यू दूंगा, जहाँ पे मैंने इसको 8,000 से ऊपर अभी चल चुकी है, 8,500 होने को है। 125 cc की बाइक है, लेना है या नहीं लेना है ये निर्भर करता है आपके ऊपर। मैं तो बस अपना एक राय दूंगा, राय बहादुर बनूंगा, बिल्कुल बनना चाहिए भाई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, और विनती करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि मैं और शोरूम विजिट करूँ, मेरे अंदर एक पावर आए। पावर आनी चाहिए, आपके अंदर भी आनी चाहिए, मेरे अंदर जैसे आएगी जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, तो बस मेरा काम चल पड़े और आपका भी काम बन पड़े जब मैं इसका रिव्यूज दूँ। और भाई मैं ट्रू रिव्यूज दूंगा। किन्हीं ने बोला था भैया क्या 20 रुपए का पेट्रोल डलवा करके हम इस गाड़ी को चला सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप चला सकते हैं 20 रुपए का पेट्रोल डलवा करके। जब ये इंडिकेट करने लगे सिंगल पुट्टी सिंगल लाइन, तब आप 20 रुपए का डलवा लीजिए, जितना दूर जाएगी जाएगी, उससे बाद फिर अगर इंडिकेट कर पाए फिर डलवाइए फिर चलवाइए। ये भाई साहब का कमेंट था। ठीक है मैं आगे चलता हूँ। तो है क्या सीन यहाँ पर कि ये जो है 140 किलो की बाइक आ जाती है, मेरे पास है कार्बन एडिशन जिसके अंदर लगा लगाया इसके अंदर जो है इंजन गार्ड मिलता है, जिसे इंजन काउल भी कहते हैं। अगर नियो जाते हैं क्लास 3000 क्लास 2000 में मिल जाती है, तो आपको जो है ये इंजन काउल उसमें नहीं मिलेगा, 1300-1200 रुपये का मिल जाता है मार्केट में। भाई ने कमेंट किया है मेरे एक चैनल के वीडियो पर, तो वो चीज़ आज मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबा करते हुए ना सड़ा तक खींचते चलते हैं। ठीक है तो भाई यहाँ पे हम आते हैं, यू आर राइट 100% राइट बोला भाई, 40-50 स्पीड चलाओगे तो 55-60 का माइलेज मिलेगा, बिल्कुल मिलता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई मेरी बाइक 14-15 किलोमीटर चला चुके हैं। अच्छा ठीक है 1400-1600 पैसे, मतलब जो भी है 14,615 किलोमीटर चला चुके हैं। हाँ 62 का देती है अब, 62 का देती है अब, तो 41-45 का देती है। पिकअप भी सही नहीं आ रहा, आई थिंक क्लच भाई, जब क्लच ही आपको पता है कि स्पीड नहीं पकड़ रहा है तो फ्यूल भी उठाएगी। ठीक है तो ये कमेंट है जिसको मैं आपके सामने परोस रहा हूँ, रख रहा हूँ। 10,000 चलाने के बाद 35 से ज़्यादा नहीं देगा भाई, 10,000 चलाने के बाद 35 से ज़्यादा नहीं देगा, इस बात की गारंटी दो भाई, मैं आपको अगले कमेंट में बताऊँगा। चीनों ने इतनी ज़्यादा ज़्यादा चला चुकी है, 13-13 साल, 3-3 साल चला जाए, 13 साल भी लोग चलाते हैं भाई। ऐसा भाई मेरे पल्सर 125 कार्बन की माइलेज है, 60+ देती है भाई। अब मैंने नहीं बोला, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है भाई ये बताओ कि कार्बोरेटर इंजन वाली लें या FI वाली, तो भाई अब FI आती, कार्बोरेटर नहीं आती, तो आप परेशान मत होइएगा, उसको पूछिएगा भी मत, कहीं पड़ी होगी किसी एजेंसी में, वैसे मुझे नहीं लगता कि होगी, आपको FI ही मिलेगी। ठीक है भाई ये बताओ कि ये तो हो गया था ना भाई, मेरे पास भी 125 cc 1 लीटर में 15 किलोमीटर चले। अरे भाई साहब क्या बात कर दी भाई, मजाक करते हो, मुझे समस्या आ रही है भाई, छोड़ो इसको छोड़ो भाई, उठाया हूँ सारे कमेंट उठाया, अब ये मत सोचो कि मैं चुन चुन के उठाया हूँ, अपने पसंद का उठाया हूँ। ठीक है फॉर सिंगल राइड 65-63 एंड डबल राइड में 52-53। भाई साहब 52-53 जा रही है, अरे सही ने यहाँ तो लोगों को 15 मिल रही थी, कैसे कहती है भाई आप। मैं तो गलत ही था ना, अब तो सामने से कमेंट आ रहे हैं, आप ही बताओ कि कौन सही कौन गलत। ठीक है आई हैविंग 1 year 4 month बैटरी डेड वारंटी और किलोमीटर, ठीक है 40-45 ऑलिंग गुड लुकिंग एंड परफॉर्मेंस इज नॉट सो सेटिस्फाइड, इफ यू वांट टू परफॉर्मेंस दे ट्राई समथिंग एल्स। सही बात है, आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो जाइए ले लीजिए, आप ले लीजिए रैडल ले लीजिए, छोटी शॉर्ट सीट, प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक चीज है, आप ले सकते हैं। मैं नहीं कहता भाई पैसा आपका है, आप जरूर ले सकते हैं, क्या वो इतनी सेटिस्फेक्शन देगी नहीं देगी आप पढ़ सकते हैं, आपकी राय है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है ऐसे बाद में पल्सर बहुत ही खर्चीली बाइक है, 7 साल यूज करने के बाद में बेच दिया, बहुत खर्चा करे भाई, 7 साल तक आपने खर्चीली बाइक को यूज किया और खर्चा करते चले गए, 7 साल को कुछ तो जुगाड़ लगाते, 4-5 साल में आप दूसरी बाइक ले सकते, तब भी 7 साल को उसका प्रेम दिखा दिया आपने भाई। ठीक है भाई मैंने पल्सर नियो 125 दिया, 1 महीना हो गया है, 380
चला रहा हूँ, क्या पहली सर्विस करवा लें? नहीं भैया, 750 से 800 पे जाकर के पहली सर्विस कराइए। और नई बाइक जब भी आप खरीदते हैं तो उसका रेंज जो स्पीड का रखा करिए वो अंडर 50 रखा करिए, 40 to 45, 55 के मतलब 50 के अंदर ही चला करिए, ऐसे भगा के नहीं, मतलब 60 तो कत्ता ही मत चाहिए पाता लेकर के, जबर नई बाइक है तो। और 750 से 800 पे जाकर के पहली सर्विस करवा लीजिएगा, ठीक है। 10,000 किलोमीटर की ऑयल डाला जाता है, 4 से 4,500 तो उसका सर्विस हमेशा करवाइएगा, अगर सर्विस सेंटर के इंजन ऑयल से करवाते हैं तो, ठीक है। बस इतना मैं कहूँगा भाई। जो लोग 20 रुपये का पेट्रोल डालने की बात कर रहे हैं भाई, इन्होंने एक कमेंट डाल दिया था इसी वीडियो पे, एक मतलब इसी चैनल के एक वीडियो पे किसी ने कहा था 20 रुपये का पेट्रोल डाला, तो उन्होंने कहा था कमेंट पढ़ लो भाई, मैंने कमेंट पकड़ूंगा नहीं इसके, ठीक है। उन्होंने मजाक कर लिया। एक्सट्रीम 125 और रेडा 125 SP 125 से रिसेल वैल्यू अच्छा है पल्सर का भाई, लेजेंडरी है भाई, उन्होंने खुद बता दिया यार, मैं जो बोलता हूँ आपको झूठ लगता है, ये सामने वाले लोग बता रहे हैं, ठीक है। इसका चैन फॉकेट जल्दी खराब हो जाता है भाई, मेरी तो अभी 8,000 साढ़े 8,000 होने को है, अभी तक 3 बार टाइट कराया हूँ, साल भर में 3 बार सिर्फ चैन टाइट करवाया हूँ, कहीं कुछ कोई दिक्कत नहीं आई है, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके बारे में भाई ये बताओ कि लॉन्ग राइड में कितना कर सकते हैं, 125 cc लॉन्ग राइड जा सकती है या नहीं? भैया बिल्कुल जा सकती है, स्प्लेंडर पैसन सब जा रही है, पल्सर क्या कहीं और से आइए क्या, इतनी लेजेंडरी बाइक क्या, आप जाइए ले जाइए इसको, जहाँ आप सचेंगे उसको रोकिएगा, लेकिन भाई 100 किलोमीटर एक बार में खींचने के बाद रोक दीजिएगा, वैसे 50 में 100 किलोमीटर खींच भी लेते हैं, वैसे खींच नहीं पाएंगे, अगर क्षमता है खींचिए, उसके बाद रोक करके रेस्ट कराइए, इसको भी रेस्ट कराइए, इंजन ऑयलिंग वगैरह पे ध्यान दीजिएगा कि पुराने इंजन ऑयल पे तो नहीं लंबा लेके जाने की सोच रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं दिवाली पे लूंगा, मगर भाई मैं कंफ्यूज हूँ, पल्सर 150 लूँ या 125। भाई 125 लेंगे तो आप 55+55 के अकॉर्डिंग एवरेज पाएंगे, और 150 लेंगे तो 40 से 45 का एवरेज पाएंगे, पिकअप उसमें अच्छा पाएंगे, दमदार गाड़ी, वजन इसके 2 किलो ज़्यादा पाएंगे, 140-41 के पास है वो, 143-44 के आसपास में मिलेगी। तो बस यही है, बाकी सारी चीज़ें हैं, फुल फैमिली बाइक है, कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है। लोग कहते हैं इसको फैमिली बाइक मत कहिए, क्यों ना कहें भाई, मैं तो अपनी फैमिली लेके चल रहा हूँ ना, उसको तो दिक्कत नहीं आती, मेरे बच्चे आराम से बैठ जाते हैं, टंकी पे आगे बेटा बैठ जाता है, बेटी यहाँ बैठ जाती है और वाइफ इधर बैठ जाती है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ले इस बाइक को, क्या दिक्कत है? आप रेडर वगैरह में लेकर के देखिए, नहीं हो पाएगा भाई, SP में जाना चाहते हैं, SP कितने दिन चलेंगे वो आप खुद सोच लीजिएगा। उसके बाद में भाई अगली कमेंट में करना हो करता हूँ, क्या कमेंट पढ़ता हूँ, पल्सर बहुत बढ़िया है भाई, अगर प्रॉपर मेंटेन में रखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए। भाई मैं सच बता रहा हूँ, पल्सर ही नहीं कोई भी बाइक अपनी प्रॉपर मेंटेन रखता ही नहीं, सच बता रहा हूँ। मैं हूँ शायद, मैं वीडियो बनाता हूँ शायद इसलिए मैं प्रॉपर मेंटेन रख लेता हूँ, अदरवाइज अपने दिल से पूछिएगा कितने लोग, कितने परसेंट लोग इसको प्रॉपर मेंटेन रखते हैं, या किसी भी कंपनी की बाइक को। भाई 3 फ्री सर्विस के बाद में वो रोड पर जा करके अपनी बाइक को सस्ते कंपोनेंट लगवा करके चलाना चालू कर देते हैं, सस्ते यही है। आगे चलते हैं भाई, मैंने पल्सर 150 cc 4 टाइम हैदराबाद से समस्तीपुर बिहार लेकर से गया हूँ, 1560 किलोमीटर चलती है, 36 आवर्स में पहुंच जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2013 मॉडल है, ठीक है, मुझे तो परफेक्ट लगती है। 8,000 रुपये खर्चा आया था, 6 महीने पहले उन्होंने इंजन का काम करवाया था। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ भाई इसके बाद, बस अब आप समझ जाइए कि क्या करना है इसके साथ। थोड़ी सी बात बता देता हूँ डिटेल, गाड़ी चलाते टाइम आपके सामने से अगर स्प्लेंडर वगैरह गुजर जाए तो ये मत सोचिएगा कि ये तब भी गाड़ी भाग नहीं सकती भाई, वो हल्की गाड़ी है, तुरंत बैलेंस बनाती है, तुरंत निकल जाती है, आप इस पर कटिंग मारना चाहेंगे गिर जाएंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे, दम है कर लीजिए आपके शरीर में, क्योंकि भैया ये नहीं होती है, ठीक है। बाकी जो भौकाल है ना, भौकाल है पल्सर, जाकर बात कर लीजिए जितने सांस से, जितने गड्ढों में से, जितने प्यार से इसकी हैंडलिंग करके निकल जाती ना वहाँ स्प्लेंडर वगैरह, इसे इसी नाचने लगेंगे आप, ठीक है, तकदीन करने लगेंगे, इसके साथ तकदीना नहीं होता, इसके साथ एक सीधे से स्मूथली निकल जाएंगे। बरसात वगैरह में बस अगली ब्रिक तगड़े से मत मारेगा, ABS नहीं मिलता इसके अंदर की, जो बच जाएंगे सटक के गिर सकते हैं, इतना याद कर लीजिए। बालू में स्लिप करती है गाड़ी अगला पहिया, जल्दी जल्दी साइड में टर्निंग मारने के चक्कर में अगला ब्रेक मत मार दीजिएगा, स्किप कर जाती है, तो कहीं तो ध्यान देना होगा, आप चला रहे हैं तो आप ही को ध्यान देना, बाकी ऐसा नहीं कि वो गिर रहे हैं सो बजाज की गड़बड़ी है भाई। बहुत कितने गाड़ियों में आपको ABS मिलता है, सिर्फ अभी आई है रेडर 125 cc में ABS मिलता है, और उसमें ABS मिल रहा है तो क्या आप उसमें फैमिली बैठा पाएंगे भैया? पूरी लॉन्डो वाली बाइक है, इतना भी आप लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए तो विदा, चलते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जय राम जी।